हरे कृष्णा। जातियाँ तो लोगों ने बनाई हैं, परंतु भगवान हमेशा भक्तों को उनके हृदय से प्यार करते हैं। ऐसे ही एक यह कहानी है कि भील जाति की दो कन्याओं ने श्री कृष्ण को व उनके प्रेम पर विजय प्राप्त की। वृंदावन की भील जाति की इन दो रहस्यमय कन्याओं का वर्णन सखियों के श्याम पुस्तक में आता है। उनके नाम मिट्टी और सुबना था। यह दोनों अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। एक दिन गाय चराते समय जब मिट्टी ने ब्रज के राजा यानी हमारे गोविंद को देखा तो मानो उसने एक नया जन्म ले लिया हो। लेकिन मिट्टी अपनी जाति के कारण कभी उनके पास नहीं गई थी। मिट्टी को पता चला कि श्री कृष्ण को उसके क्षेत्र के फल बहुत पसंद है, इसलिए वह कई वर्षों तक अपना चेहरा ढककर नंद बाबा के घर पर फल लाने का काम कर रही थी। श्री कृष्ण प्रतिदिन पूछते थे, मैया ये फल कौन लाता है? तो एक दिन मैया यशोदा ने उन्हें बता ही दिया कि मिट्टी नाम की एक लड़की ये फल देने के लिए आती है। प्यारे लाल जो मिट्टी का प्रेम जानते थे, इसलिए उन्होंने माता यशोदा से अनुरोध किया कि मैया आज से ये मिट्टी को हमारे घर में काम के लिए रख लीजियो। अब मिट्टी तो धन्य हो गई, लेकिन उसकी बहन सुबना इतनी धन्य नहीं थी। जब सुबना ने शाम को देखा उसकी हालत सांप के काटे हुए शिकार जैसी हो गई थी। उसके माता पिता ने तो यह उम्मीद तक ही छोड़ दी थी कि वह दोबारा पहले जैसी हो सकेगी। एक बार सुबना अपने बछड़े को चराने के लिए गई थी, तब बछड़ा दौड़कर श्री कृष्ण से टकरा गया। सुबना ने पहली बार प्यारे लालजू को देखा था, लेकिन दोबारा उनकी तरफ एक तक ना देख सकी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसका और गोविंद का कोई मेल नहीं था, लेकिन वह उन्हें देखे बिना रह नहीं पाती थी। एक दिन सुबना अपने आप को कमरे में बंद कर अकेली रो रही थी, तब उसका खोया हुआ बछड़ा तोड़ कर उसके पास आया। सुबना ने अपनी पिंडरी को सीने से लगा लिया और जब श्याम के प्रति अपना प्रेम उसे बतलाने लगी, तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुबना के सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। वह उन्हें देखकर डर रही थी, लेकिन प्रियतम ने उसे गले लगा लिया और कहा कि आज तुमने मुझे खरीद लिया है, आज से मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम सुबना वर मांगो। तब सुबना ने श्री कृष्ण से वर मांगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं और आप मेरे साथ रहो। तो श्री कृष्ण ने उसे वरदान भी दे दिया। तभी से सुबना ब्रज में हर किसी से एक ही बात कहती थी, मुझे नहीं पता कि श्री कृष्ण कभी अपने दोस्तों या माता पिता, अपने घर या अपने गांव से मिलने जाते हैं या नहीं जाते। मैं केवल इतना जानती हूँ कि वे पूरे दिन और रात हमेशा मेरे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण का एक स्वरूप हमेशा सुबना के साथ रहता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।